ये जो आतताई सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिनमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कटरा थाने में बेटा मुरादपुर के एक हरिराम को जाके उनके घर पर पीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उनकी डेडबॉडी को पुलिस ने उठा के गायब कर दिया। तो हम सभी समाजवादी पार्टी के लोगों की ये मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों ने हरिराम की हत्या की है, उनके खिलाफ FIR हो और तत्काल उनको जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करके हरिराम के परिवार वालों को अब जातियां तो हो ही रही हैं। जब से सरकार में तब से लगातार जाति करने के अलावा क्या काम हुआ है? पहले जो कहते थे कि थाने समाजवादी पार्टी चला रही है, अब थाना कौन चला रहा है तो पूछा जाए इनसे, थाना कौन चला रहा है? हर जगह पर लूट खसोट गुंडागर्दी, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इतना बोलबाला है भ्रष्टाचार का, पहले तो सिर पे चढ़ के बोलता था बसपा सरकार में, लेकिन अब तो रोडों पर भ्रष्टाचार रेंग रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूब गई है, किसी को कहीं पर कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। हरिराम जैसे यानी कितने लोगों की हत्या कर दी गई होगी, लेकिन इनके घर वालों ने हिम्मत जुटा के माननीय पूर्व विधायक राजेश यादव जी के पास तक आए, तब ये मामला यहाँ तक आया, जिससे इनको न्याय निश्चित रूप से हम लोग दिला के रहेंगे।